नमस्कार दोस्तों, गांव के पाठशाला की पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। कुछ कारणों से थोड़ा रिसेंटली मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। आप फिर से अपन टेस्ट स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, और जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो गाँव की पाठशाला की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लूँ, और अपने दोस्तों और जितने भी सर्कल हैं उनके बीच में शेयर करें। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था कि आवर्ती अब सारी दशमलव मतलब सात दशमलव संख्या किसे कहते हैं, ठीक है? ये हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसके एग्जांपल भी कर चुके हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट हमको बताना है अनावर्ती अब सारी दशमलव किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं असात दशमलव। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि सात दशमलव जो भी संख्या रहती है वहां पर अपने आवर्ती सात दशमलव वहां पर अपनी संख्या जो है रिपीट होती रहती है। और हमारी संख्या रिपीट कैसे होती है, जैसे जैसे एक एग्जांपल था अपना 1.272727277, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा, तो यहाँ पर 1.27 बार लग जाता, तो ये हमारा आवर्ती कहलाता है। जो चीजें बार बार आती है उसे हम आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। अब दूसरा हो गया अनावर्ती। अनावर्ती संख्या क्या हो सकती है, अनावर्ती का एग्जांपल है ये कहना कि चाहे रूट दो हो गया, चाहे रूट तीन हो गया, चाहे पाई हो गया, इनका किसी के भी किसी का भी मान अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाता है। जैसे रूट दो का हुआ 1.14375 6, इस तरह कंटिन्यू आता ही रहेगा, ठीक है? तो ये क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है, यहाँ पर जो संख्या है वो रुके ही नहीं रहे और डाई रिपीट हो रही है, संख्या ना यहाँ पर रिपीट हो रही है, इसलिए अनावर्ती कहलाएगा। दूसरा हो गया तुम्हारा रूट दो हो गया, रूट दो का मान 1. तो लिख लिया तुम्हारा पाई, जैसे पाई होगा 3.14562914, ये आते रहेगा, तो ये आपका जो कहलाएगा अनावर्ती दशमलव संख्या, ठीक है? एक एग्जाम्पल है 1/2 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो, ठीक है? एक बटे सात, ठीक है? 1/7 का हम संख्या फॉर्म लिखेंगे, तो इसको हम डिवीजन करते जाएंगे 1 का, तो इसका हमारा आएगा 0.14285832, ठीक है? ये आपका कंटिन्यू चलता रह जाएगा क्योंकि ये अपना अनावर्ती है, ठीक है? अब दूसरा हमारा जो है वो दूसरा हमारा 1/8, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, जो 1/8 करेंगे तो 2852671 8, ये कंटिन्यू इसमें भी आता जाएगा। ये जो हमारा 1/2 हो गया, अब ये जो हमारा 1/7 हो गया और 1/8 हो गया, इन दोनों संख्याओं के बीच का हमको केवल क्या निकालना है, एक परिमेय संख्या, तो 0.12853, ठीक है? और इसके 0.285261, इसके बीच में कोई भी संख्या ले लो, तो 0.43256 भी ले लोगे, कितनी भी संख्या ले लोगे, इस तरह आप अपरिमेय संख्या निकाल लोगे। चूंकि परिमेय संख्या बटे के फॉर्म में रहते हैं, अपरिमेय संख्या दशमलव के फॉर्म में रहती है, तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्याओं का सफल परीक्षण। और आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपका निराकरण करूंगा और आपको अच्छे तरीके से सवाल समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। जो भी आपको समझ में आया आप हमें बता सकते हैं, हम नए नए तरीके खोजेंगे आपको अच्छे से पढ़ाने, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये वीडियो, थैंक यू सो मच।